थोड़ा वाइट नहीं हो अंदर लाइए टोन चेंज होता है ना थोड़ा डार्क हो जाए ना इफेक्ट है लाइट का इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है So done? Thank you, ma'am. Thank you. Find a nice boy for me first. मैं पूरा दिन सेट पे और घर पे रहूंगी तो कहाँ लड़के मिलूंगी? There might be many boys over there. मेरे टाइप के कोई नहीं है वहाँ पे. ठीक है. मैं लुक कर रहा फर्स्टली अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं रक्षाबंधन के तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में इट्स अ माइलस्टोन दैट वी टच्ड इट्स अमेजिंग दिस इज अ वेरी डिफरेंट शो आउट ऑफ ऑल द शोज दैट आई हैव डन वेदर आई हैव डन मूवीज और वेब और टीवी बहुत ही अलग शो है एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल एंड सक्सेसफुली 100 एपिसोड्स हमने खत्म किए हैं इट्स अ ह्यूज कास्ट ऑल्सो It's a great accomplishment, honestly speaking. After COVID, 2 साल घर बैठने के बाद ऐसा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे आप इतना कुछ कर सकते हो खेल सकते हो अपने टैलेंट के साथ आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल थोड़ा वॉल्यूम डाउन करने बोलूँगी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशन 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं रक्षाबंधन के तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में फर्स्टली आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये 100 एपिसोड्स हुए हैं क्योंकि ऑडियंसेस ने देखा है पसंद किया है मेकर्स ने इतने अच्छे स्क्रिप्ट दिए हैं रोल इतना अच्छा दिया है एंड यू नो जब रोल चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए और भी लोग डिफ़िकल्ट कहना चाहेंगे लेकिन मैं आसान कहती हूँ क्योंकि जब चैलेंजेस मुझे दिए जाते हैं मैं और बेटर करने की कोशिश करती हूँ इट गिव्स मी अ किक टू यू नो डू बेटर बट आई मस्ट से दैट दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट वी टच्ड आफ्टर 2 साल के लॉकडाउन के घर में रेस्ट करने के बाद यू गेट अ शो वेयर इट इज़ सो सक्सेसफुल है नंबर वन है इन ऑल फ्री टू एयर चैनल्स एंड वी टच 100 एपिसोड्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग सो आई एम वेरी हैप्पी Well, initially I was very apprehensive because I never played a dark shade in my life. I mean, I did. एक मैंने शो किया था ऑपरेशन कोबरा करके जिसमें I was an out and out badass from Brit. But this is Indian and a rural story, village की story है. मैंने इस रोल को लिया इसलिए था क्योंकि ये रोल बंटी बबली के जोन में है जहाँ पे मैं एक लुटेरी दुल्हन हूँ मैं लोगों को लूटती हूँ उनके पैसे लेके उड़न छू हो जाती हूँ यू नो बहुत सारे मुझे डिसगाइज लेने पड़े थे देयर इज़ सो मच स्कोप ऑफ एक्टिंग सो आई सी माई सेल्फ एज दिस बंटी बबली काइंड ऑफ अ चकोरी जो यंग 20s में है खूबसूरत एकदम मसालेदार बदमाश चंचल लोगों को फंसाती है शी नोज मैन सो वेल एंड लूट के भाग जाती है टू आफ्टर लीप वेयर शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड एंड गॉट एवरीथिंग एक सरपंच की बीवी है हवेली चलाती है पूरे गांव को रूल कर रही है सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्राफ इन दिस रोल एंड ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस भी हुए स्क्रिप्ट में क्योंकि लीप हुआ है जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े हो गए हैं एंड मेरा जो सो आई वुड जस्ट से दैट यू नो आई हैव इन फ्यू मंथ्स ओनली इन 100 एपिसोड्स ओनली आई हैव लिव्ड अ लॉट इन दिस शो इट्स ग्रेट ओके सो टॉकिंग अबाउट निशांत योर ऑन स्क्रीन पेयरिंग इज लुकिंग ऑसम सो हाउ इज ऑफ स्क्रीन पेयरिंग पीपल वांट टू नो योर ऑफ स्क्रीन पेयरिंग विद निशांत वी आर नॉट ऑफ स्क्रीन पेयर फर्स्टली सेकेंडली वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स
हम लोग पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमने एक मूवी की थी साथ में और वहाँ पे हमारी जान पहचान हुई थी और वहाँ से वी हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप. हैविंग सेड दैट, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी को एक्टर के साथ एक बेसिक केमिस्ट्री मेंटेन करना, सो दैट यू नो दैट केमिस्ट्री बिल्ड्स ऑडियंस फॉर द शो. ठीक है, तो लीप के पहले निशान वॉज पेयर्ड विथ मी, एंड इसलिए हम लोग साथ में बहुत सारे रील्स बनाते थे, हम लोग बहुत सारे स्टोरीज बनाते थे. यू नो वी यूज टू ट्राई एंड मेक द पेयर मोर लाइकेबल एंड फेमस. अभी लीप के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, ही हैज़ अ डिफरेंट पेयर, सो नाउ वी डोंट डू इट एनी मोर, बट ऑफ स्क्रीन वी आर स्टिल वेरी 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 गुड फ्रेंड्स एंड वील ऑलवेज बी. तो सर, टॉकिंग अबाउट रील्स, तो काफी रील्स है आपके सोशल मीडिया अकाउंट की मैं बात करूंगा, तो आपको क्या लगता है कौन अच्छा ज्यादा रील बनाता है, आप या निशान? दोनों. वैसे रील बनाने का चस्का उसको ज़्यादा है, ही लव्स मेकिंग वीडियोस. मैं बहुत लेजी हूँ, तो मैं जब ऐसे कुछ रील्स बनाती हूँ तो मुझे फ़ोन करके डांटता भी है कि यार ट्रांजिशन रील्स नहीं बनाया तुमने, इसमें तुम ये कर सकती थी, इसमें तुम वो कर सकती थी, कैमरा ऐसा क्यों रखा है. तो द क्रिएटिव आइडिया दैट आई हैव इज़ वेरी नाइस ऑफ फ्रॉम माई साइड, बट ही हैज़ अ वेरी गुड डायरेक्शनल आइडियाज, ही कैन रियली मेक अ वीडियो वेरी नाइसली. ओके, सो बिग बॉस 15 इज गोइंग ऑन, बिग बॉस 15 जो एक काफी कंट्रोवर्सी शो रहता है, सो कोई आपके फ्रेंड है बिग बॉस 15 के घर में? नो. आर यू फॉलोइंग बिग बॉस 15? नो. ओके, सो इफ यू, अगर आपको चांस मिले बिग बॉस 15 या फिर बिग बॉस 16 में जाने का, तो क्या आप जाओगे? मुझे पिछले 3 साल से, मतलब हर बार ऑफर आया है. इनफैक्ट जब मैं दिव्य दृष्टि कर रही थी वहां पे तो न्यूज में आर्टिकल्स भी आ गया था कि मैं दिव्य दृष्टि छोड़ रही हूँ बिग बॉस के लिए, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, आई डोंट नो द गेम हाउ इट वर्क्स ओवर देयर, आई जस्ट डोंट नो. एंड आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग. जब भी मुझे बिग बॉस से ऑफर आया है, हमेशा मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स कर ही रही थी. पहले दिव्य दृष्टि कर रही थी, फिर मैं एक्सक्यूज मी मैडम कर रही थी, अभी मैं रक्षाबंधन कर रही हूँ. तो शायद इट्स नॉट, आई डोंट नो वेदर आई एम मेंट टू डू इट और नॉट. ओके, सो बड़े पर्दे की बात करूँ तो, बड़े पर्दे यानी मूवीज की मैं बात करूँ तो, लास्ट टाइम आपको वन नाइट स्टैंड में देखा गया था, तो आने वाले समय में आपको क्या बड़े पर्दे पे फिर से देखने मिलेगी? शायद, क्योंकि मैं काम तो हर जगह करती हूँ, मेरे लिए काम काम होता है, चाहे वो टीवी हो या वेब हो या मूवीज हो. यू माइट सी मी, इन फैक्ट आई एम टॉकिंग टू अ कपल ऑफ पीपल वेयर दे आर रियली कीन एंड इंटरेस्टेड इन साइनिंग मी. इट्स जस्ट दैट मुझे देखना पड़ेगा कि मैं टीवी को और उसको कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि आई एम समबडी हु वंस कमिट्स फुलफिल्स इट. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं शो छोड़ दूंगी, बट अगर एक अग्रीमेंट में हम आए कि मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ, वो डेफिनेटली डू इट. ओके, सो रक्षाबंधन में आपका नेगेटिव किरदार है, अगर मूवीज में आपको चांस मिले रोमांटिक, नेगेटिव और हॉरर, तो कौन सा आप प्रेफर करोगे और क्यों? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग टीवी में ही नेगेटिव के लिए ज़्यादा ऑफर्स आते हैं, बट बॉलीवुड में या वेब में एंड ऑल दैट, दे हैव ऑलवेज सीन मी एज अ वेरी डोमेस्टिक होमली गर्ल. मैं ऑलरेडी एक थ्रिलर हॉरर कर चुकी हूँ, इट्स अ इंडो ब्रिट फिल्म, तो हॉरर तो इट्स कॉल्ड हाउस ऑन क्लिफ, वरुण राय द हाउस ऑन क्लिफ. वो ऑलरेडी यूके में रिलीज़ हो चुका है, इंडिया में भी किसी रेपुटेड प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होगा, थिएटर में भी हो सकता है, दे आर ट्राइंग फॉर दैट. आई वुड रियली गो फॉर आउट एंड ऑन रोमांटिक, क्योंकि मैंने हार्ड कोर रोमांटिक कभी नहीं किया और मेरे अंदर से बहुत है कि मैं करूँ. I think I'll do well in that. Okay, so रक्षाबंधन की बात करो तो, रक्षाबंधन you are working with Nishan and One Night Stand की बात करो तो आपने तनुज के साथ काम किया, तो दोनों में से आपको कौन सा लगता है कि आपके साथ ज़्यादा on screen अच्छे दिख सकते हैं और क्यों? अच्छे दिख सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. Honestly speaking, मेरी romantic scenes निशांत के साथ ज़्यादा थे, romantic भी नहीं बता सकते, टीवी में तो चलो सिचुएशनल रोमांस, सिचुएशनल कॉमेडी सब कुछ वैसा हो जाता है, बट आई डोंट नो, दैट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड मुझे किसके साथ ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ओके, सो आज आप मुझे किसके साथ ज्यादा पसंद करते हो? लेट ऑडियंस डिसाइड. ओह नो नो, यू आर द ऑडियंस, यू टेल मी. तनुज. ओके ओके, सो आज अंतिम मूवी आप रिलीज हो चुकी है सलमान खान की, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, तो क्या आपने देखा और कब देखने वाले हो? अगर नहीं देखा? मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं जरूर देखना चाहूंगी बहुत जल्द. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि मैं जल्दी पैकअप करूं और अपनी मम्मी को बोलूं कम ऑन लेट्स गो वॉच अ मूवी. ओके, क्या आपने ट्रेलर देखा है? आपने
ओके सो आयुष आयुष शर्मा कैसे लगे एक नेगेटिव किरदार में, क्योंकि यू आर आल्सो डूइंग नेगेटिव किरदार, तो यू कैन डिफाइन नेगेटिव किरदार में कैसे लग रहे हैं? आई थिंक इज लुकिंग गुड नाइस. ओके थैंक यू. सो लास्टली व्हाट वुड यू से टू योर फैंस हु आर वाचिंग दिस? आई वुड से दैट लुक गाइस, आई हैव चोजन दिस प्रोफेशन फॉर द सिंपल रीजन दैट I was a very introvert kind of a person. I was not very open, very shy, and this profession has actually helped me overcome these obstacles that I had. And in the process, I realized that I'm here to entertain you guys. Thank you for watching me, because when you watch my shows, I realize that you like me. Thank you for all the appreciation that I get, all the awards that I get. I'm here for you, so. जस्ट थैंक्स सो मच फॉर बींग देयर. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने क्राफ्ट को और बेटर करती रहूँ हमेशा से. एंड या दैट्स इट. थैंक यू.